वी आर वेरी ऑनर्ड जी, इस वक्त हमारे साथ वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नेशनल बैंक की खसूसी टेलीथॉन ज्वाइन की है, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी एक विजन थी, एक ख्वाब था आपका कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी के पास अपनी छत हो, अपना घर हो, और आज वो पाए तकमील पहुंच रहा है ख्वाब, और जिस टीम को आपने ये टास्क दिया था वो टीम यहाँ पर मौजूद है। आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में पहली दफा एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है घर खरीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी एक अपना उनका घर हो। और कैसे हो कि जो वो किराए की किस्तें देते हैं, जो किराए देते हैं अपने घरों का, वही किस्तें बन जाएं और उनको इस किस्तों की वजह से उनको अपना घर मिल जाए। ये दुनिया के अंदर अमीर मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में हमेशा लोग बैंकों से पैसे लेके तो अपने घर खरीदते हैं, और वो भी किस्तें देके अपने घर खरीदते हैं, इसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहती है। तो पाकिस्तान में इसका कोई रिवाज ही नहीं है, तो ये पहली दफा कोशिश की गई है, और मुझे पूरा एहसास है कि इसमें बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पहली दफा है, मुश्किलात तो आनी थी। लेकिन मैं आज खास तौर पे स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रजा बाकर और उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है वो बैठे हुए हैं, मैं आपको आज तागीद करना चाहता हूं कि आपको अपने उस्मानी साहब आपको नेशनल बैंक की ब्रांचेस में बताना पड़ेगा, और रजा बाकर आपको सारे बैंक्स के हेड्स को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि बैंक्स आसानियां पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए पूरी सहूलतें पैदा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले लोगों ने कभी किसी ने किया ही नहीं है, तो बैंक के लोगों को जो अमला है बैंक का उसको भी प्रैक्टिस नहीं है। और मैं जो सुन रहा था लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी चीज ये कि लोगों को पहली दफा मौका मिल रहा है, जो कि कभी जिनके पास कैश नहीं था घर खरीदने का, उनको मौका मिल रहा है कि उनका भी अपना घर हो। लेकिन उससे भी उतनी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे एक दफा हमारे मुल्क में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए और अपने घर अपने घरों के लिए उनको पैसा मिलना शुरू हो गया और उनके घर बनने शुरू हो गए, तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब यह कि सारे मुल्क के अंदर एक इंकलाब आ जाएगा, एक पूरी जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की बूम आ सकती है। तो यह सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को अपनी छत मिलेगी, इससे सारी पाकिस्तान की जो माईशत है वो सारी माईशत को ऊपर उठा देगा। सारी दुनिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सारी माईशत को उठाती है, जिससे जो वेल्थ क्रिएशन होती है। और ये तीसरी चीज ये कि क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें वेल्थ क्रिएशन यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये जिसके ऊपर ये जो हमने एक साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से ताकीद करूंगा आपसे रजा बाकर, आपसे और दूसरा उस्मानी साहब, आपसे नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक पाकिस्तान का प्रीमियर बैंक है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि लोगों को भी मौका मिले घर बनाने का और फिर बिजनेस एक्टिविटी भी चले। तो आपको इसके लिए अपने सारे अमला को, स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा। सही, पीएम साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मेरे ख्याल में शायद
رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا بٹ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا سر لائن پہ ہیں. سر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی اسپیشل اسکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں؟ جی اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے. یہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں آپ نے بات کی, بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی. ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے, یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے لیکن اس خاص طور پہ جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کی بھی پوری مدد کی جائے. وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کے آنے سے ایک نیا ولولہ ایک نیا جوش آ گیا اس اسکیم میں, اور یقیناً آپ نے جو دو بہت امپورٹنٹ باتیں کی, ایک تو جو کمپلینٹس آ رہی ہیں یا جو مسائل آ رہے ہیں عام شہریوں کو وہ یقیناً نہیں آنے چاہیے, اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک کو آپ نے تاکید کی اور پریزیڈنٹ نیشنل بینک کو آپ نے تاکید کی, یقیناً وہ اس پہ کام کریں گے. اور 30 انڈسٹریز کا آپ نے ذکر کیا جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو یعنی اکانومی کا پہیہ گھمانے میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ اسکیم جو ہے یہ کامیاب ہو.